नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आज आपका स्वागत कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल से कार्टेक में। दोस्तों बेसिकली आज जो हम लोग हैं वहाँ हमारे लेबोरेटरी के एरिया में है, जहाँ पे प्लांट्स प्रोपगेशन का कार्य किया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है एचएफटेक एरिया है। बेसिकली हम लोगों ने लैब इस हिसाब से डिजाइन की हुई है कि हमारे यहाँ फार्मर्स आए जो विजिटर्स आए उनको जो हम दिखा सके कि अंदर कैसे जो है कार्य किया जाता है, क्योंकि अंदर तो जाना संभव नहीं होता क्योंकि एचएफटेक इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन आप लोग जो है बाहर से भी देख सकते हैं कि किस तरह से कार्य किया जा सकता है। तो देखेंगे आप कि कैसे जो है हम लोग अभी सिट्रस प्रोपगेशन पे काम कर रहे हैं, और ये जो ऑपरेटर्स हैं जो है निरंतर रूप से जो है चारकोल मीडिया को यूज़ ले करके जो है रूट प्रोपगेशन का काम कर रहे हैं सिट्रस के अंदर, और कुछ ऑपरेटर्स हैं जो है वो मल्टी का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये जो एरिया है दैट इज़ आवर पैकिंग एरिया, जो है हमारे कस्टमर्स के जो प्लांट्स पैक करते हैं, जो हमारे वेबसाइट के थ्रू हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम लोग प्लांट पैक करते हैं और प्लांट्स का क्या हमारा स्टैंडर्ड रहता है पैकिंग का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है हम लोगों का पैकेजिंग का तरीका है, और किस तरह से जो आप देख सकते हैं कुछ पैकिंग का कार्य चल रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली कुछ दर्शक हमारे जो होते हैं जो हमारे वीडियोज देख कर क्वेश्चन करते हैं कि आप सब पैकेजिंग कैसे करते हैं, प्लांट्स कैसे भेजते हैं, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो है। तो दोस्तों जैसे हम लोग अंजीर जब पैक करते हैं, अंजीर आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्पेसिफिकेट, जब आप हम लोगों की वेबसाइट से सिंगल प्लांट ऑर्डर करते हैं तो सिंगल प्लांट की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि प्लांट है ये सिंगल प्लांट की पैकेजिंग में जाता है, इसमें लगभग 2 kg के आसपास जो है पॉटिंग मटेरियल है जिसमें ये प्लांट को जो है पैक किया हुआ है, और जिससे ये इसको हाई न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है, कितना बढ़िया जो है ये प्लांट दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ जो है हम प्रॉपर टैगिंग भी करते हैं, जिससे कि हमारे पास ये हिसाब रहता है, इसके अंदर बारकोड्स रहता है कि कस्टमर के पास कौन सा प्लांट कहाँ हम लोगों ने दिया हुआ है। इस तरह से हम जो है हमारे प्लांट को मेंटेन करते हैं, क्योंकि लैबोरेटरी के अंदर जो प्लांट्स तैयार करते हैं वो बैचेस के हिसाब से होते हैं, उनका बैच नंबर मेंटेन किया जाता है, ईयर मेंटेन किया जाता है। तो वो हम इस टैग के माध्यम से ये जिस कस्टमर को जाता है वहाँ पर ये रिकॉर्ड रहता है कि किस कस्टमर के पास कौन से बैच का कौन सा प्लांट दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जब सिंगल प्लांट्स के ऑर्डर आते हैं उनको इस तरह से प्लांट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि फिक का प्लांट है और शिकागो हार्डी है, इसका बैच नंबर मेंशन है 2023 का ये प्रोडक्शन है, और इसको प्रोपगेशन किया हुआ है टिश्यू कल्चर मेथड से, ये पूरा का पूरा इसमें टैग पर दर्शाया गया है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्लांट्स होते हैं, और जैसे हम लोग जब पैक करते हैं तो इस तरह से हमारा जो है बॉक्स रहता है कॉरिगेटेड बॉक्स। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है तैयारी चल रही है, इस तरह से जो है हम लोग 2 प्लांट एक बॉक्स के अंदर डालते हैं। काफ़ी स्पेशियस रहता है बॉक्स, जिससे प्लांट्स को प्रॉपर स्पेस रहता है, प्लांट्स को प्रॉपर सफोकेशन भी मिलता है, और प्लांट्स को कोई इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आती। इस तरह से हम लोग स्टैकिंग भी लगाते हैं इसके अंदर, और इस तरह से इसको टाई के माध्यम से टाई करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसको हम इस तरह से जो है फोल्ड करके, और ये हमारा प्लांट जो है उससे पैक हो जाता है। दोस्तों जो है आप देख सकते हैं हमारी जो पैकिंग मटेरियल है दैट इज़ 3-डाइमेंशनल होती है। इसमें हमारा ट्रायंगुलर शेप हम लोगों ने दिया हुआ है। जनरली क्या होता है कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के जो बॉक्सेस होते हैं वो ज़्यादातर जो है शिपिंग में डैमेज हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है कि हम लोग ट्रायंगुलर बॉक्स यूज़ करते हैं। और इस तरह से जो है जैसे कि प्लांट हमारा पैक हो गया, तो आप देख सकते हैं ये इस पर जिस कस्टमर के जाना है उसका जो है ये लेबल लग गया है, शिपिंग का लेबल, यहाँ पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि प्लांट को किस तरह से रखना है, किस डायरेक्शन में रखना है, और पूरा एड्रेस दिया हुआ है कि अगर प्लांट किसी कारण से डिलीवर्ड ना हो तो इस तरह से। आप देख सकते हैं दोस्तों ये प्लांट बढ़िया तरीके से पैक किया जाता है जिससे कस्टमर्स के पास पहुँच सके, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर्स इतना ज़्यादा पे करते हैं शिपिंग का, और हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ये इंडिया है और यहाँ पर मिसकंडक्टिंग होती है शिपिंग के साथ, तो उसके लिए हम लोगों ने जो है शिपिंग में हमारा इंश्योरेंस भी क्लेम करते हैं। हमारे कोई कस्टमर के पास अगर हमारा प्लांट डैमेज पहुंचता है या डेड हो जाता है तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट इनिशिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग कस्टमर को हमारे ईमेल या व्हाट्सएप पे जो है प्लांट का लेबल और प्लांट का डैमेज प्लांट का पिक्चर शेयर करना होता है विदिन 2-3 डेज जब आपको प्लांट प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोग कार्य करते हैं, जैसे आपको दिखाया इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों ये हैमलिन ऑरेंज है, और हैमलिन ऑरेंज का ये 1 गैलन का प्लांट है, लगभग 5 kg के आसपास इसका मटेरियल है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि इंपोर्टेड प्लांट है। ये आप देख सकते हैं ये हैमलिन ऑरेंज है, इसको हम लोगों ने टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक X639 पे ग्राफ करके तैयार किया हुआ है,
और बेसिकली ये इस तरह से हम लोग इसको और ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि ये ग्राफ्टेड प्लांट होता है तो इससे ग्राफ्ट टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं टिश्यू कल्चर में। इसलिए हम लोगों ने इसमें थ्री डायमेंशनल ये स्टिक्स बांधे हुए हैं जो कि इसको प्रोटेक्शन देते हैं रास्ते में, जिससे जरा सा भी जो है इसके ग्राफ्ट के ऊपर जो है प्रेशर ना आए। तो इस तरीके से जब ये हो जाता है तो उसके बाद हम इस तरह से इसको पैक करते हैं। इसके कस्टमर के जा रहा है प्लांट और इसको जो है इस तरह से हम लोग जो है प्रॉपर फोल्ड करके और प्रॉपर तरीके से इसको रैपिंग कर देंगे, और रैपिंग करने के बाद इसमें हम लोग होल्ड कर देते हैं जिससे प्रॉपर एयरेशन होता रहता है प्लांट के अंदर। और इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि टीक के जो है प्लांट हमारे यहाँ कैसे पैक होते हैं। तो ये देखेंगे दोस्तों हम लोग तो टीक देते हैं कस्टमर्स को, दैट इज़ अराउंड 3 to 4 feet के आसपास की हाइट रहती है हमारे टीक प्लांट की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टीक प्लांट है हमारा, काफ़ी हेल्दी प्लांट है और ये टोटली टिश्यू कल्चर जनरेटेड क्रॉप है, ये गवर्नमेंट टीक है और काफ़ी हेल्दी है। इस तरीके से जो है हम लोग इसको हमारा 2.5 feet 3 feet के आसपास का, और हम लोग जो है एक बॉक्स के अंदर टीक प्लांट पैक करते हैं। इसके अंदर भी जो है हम लोग प्रॉपर लेबल डालते हैं, जैसे ये 6 प्लांट है, 6 प्लांट के अंदर जो है एक लेबल रहता है ये कौन सी वेराइटी है, कौन सी किस साल का इसका प्रोडक्शन है और कौन सा प्रोपोगेशन है, सारा का सारा इसमें मेंशन किया जाता है। इस तरह से जो है हम लोग इन प्लांट्स को भी जो है आप देखेंगे ये पैक कर देते हैं, इसकी जो है बिल्कुल डैमेज नहीं होती और प्रॉपर तरीके से जो है कस्टमर के पास पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों इनकी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो शिपिंग में ही होती है, अगर जब शिपिंग अगर 5-7 दिन में पहुँच जाती है तो प्लांट टूट भी होके प्रॉपरली प्लांट पहुँच जाता है, लेकिन अगर इनके जो है शिपिंग में 7-8-10 दिन लग जाते हैं तो उसका संभावना शुरू हो जाती है प्लांट्स के डैमेज होने की। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कस्टमर्स को ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इंश्योर्ड रहते हैं और हमारे पास कॉन्फिडेंट रहता है कि अगर कोई कारण से प्लांट अगर डैमेज होता है शिपिंग के कारण तो कस्टमर्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो कस्टमर्स हमारा MOQ वाला जो ऑप्शन रहता है वेबसाइट में कि 25 प्लांट्स पर MOQ, उसमें जो है हम लोगों की प्राइस कम रहती है पर प्लांट की, जिसमें जो है कस्टमर को 25 प्लांट्स चूज़ करना होता है। तो वो दोस्तों जो प्लांट्स सस्ते इसलिए भी रहते हैं क्योंकि उनका वेट कम रहता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि 500 ग्राम्स का प्लांट है और ये भी टिश्यू कल्चर का ही है, और इस तरह से ये प्लांट का साइज रहता है। और बेसिकली ये 25 प्लांट्स जो है हम लोग 2 से 3 बॉक्सेस में पैक करके उनको दे देते हैं, तो इसमें शिपिंग कॉस्ट में बहुत फर्क आ जाता है दोस्तों और पैकेजिंग कॉस्ट में भी। इस कारण ये जैसे कि आप देखेंगे ये प्लांट है हमारा जो जिसका MOQ कम रहता है 25 प्लांट्स का, जिसका MOQ रहता है, और ये जो प्लांट है वो सिंगल प्लांट में जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें जाता है, तो ये डिफरेंस है दोस्तों ये जो है हमारा सिंगल प्लांट जब आप ऑर्डर करते हैं वेबसाइट से तो इस तरह का प्लांट आपको सिंगल बॉक्स में पैक करके भेजा जाता है। और वहीं हमारे क्रॉप्स में आप लोग देखते हैं ऑप्शंस में जाकर के 25 MOQ का जब ऑप्शन आता है तो उसमें दोस्तों इस तरह का प्लांट्स भेजा जाता है। तो बेसिकली जब दोस्तों ये जो प्लांट रहता है ये 500 ग्राम्स के आसपास इसका वेट रहता है और ये ईजीली जो है कम बॉक्सेस में और कम पैकेजिंग के खर्चे में और कम शिपिंग के खर्चे में जो है आपको पहुंचा दिया जाता है, इसलिए इसकी प्राइस दोस्तों कम रहती है। और ये सिंगल प्लांट जो है ये इतना हेल्दी और इतना ग्रोथ रहती है इसकी, इस कारण जो है ये प्लांट की थोड़ी प्राइस इस प्लांट के कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है और शिपिंग की खर्चा भी जो है इस प्लांट का थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो दोस्तों ये बेसिकली छोटा सा एक डिफरेंस था जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।